जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड करके मैंने इनके आपस में बहस हुई थी मैं दिखाऊंगा आपको, आगे लगाऊंगा वो क्लिप। मैंने कहा था कि नहीं, इनके गिले शिकवे हो गए थे अभी बीच में दोनों के, एक दूसरे को ये ब्लेम लगा रही थी बहुत बड़े बड़े, वो मैं बताऊंगा आपको क्या ब्लेम लगा रही थी। पता क्या है? आप देवना की जितने ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, और भगवान करे 2023 जो चला है वो क्या हर आने वाला साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो, और पुराने दिनों में जो भी हमसे गलती हुई है उसकी हम माफी मांगते हैं आप लोगों से एक बार फिर। और आज देखो हमने नई टोपी पहनी है, और सीमा ने भी देखो, और आप सोच रहे हो कि हम शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, हमें सर ने टोपी दी है, हम सर के साथ आए हैं। और सर बहुत ज्यादा हो रही थी ना, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, हम कैप पहन के ठंड से बच गए, और मुझे 2 दिन से बुखार भी हो रहा था। तो सर ने बोला हमें, सर ने पिछले वाली दुकान से टोपियां दिलाई है, पीछे गई है दुकान, और आज हम आए नई जगह पे, नई लोकेशन पे, और आज हम आए हैं नए साल के अवसर पर मंदिर में, तो दिखाते हैं आपको। और ये रहे सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आंटी प्रसाद का हमारे लिए मत्था टिकाने आ गई भाई आंटी। तो गाइस, जैसा कि बताइए लोग नई टोपी पहन के आज कैसे लग रहे हैं बताइए। नया साल है, नई टोपी, नए कपड़े, और नई तरीके से शुरुआत करने के लिए मैंने इनको बोला कि खुश रहो, मस्त रहो, और मंदिर से शुरुआत करनी चाहिए इनको। जैसा कि अभी मंदिर आए हैं इनको, मतलब मैं सुबह से थोड़ा व्यस्त था, लेट हो गया था, तो अभी इनको मंदिर लेके आए हैं, मंदिर मत्था टेकेंगे। और मैंने इनको एक टारगेट दिया कि डेली वीडियो बनाएंगे ताकि इनका कुछ हो जाए। और जैसा कि पूरा ये बड़े दुखी हो रहे कि पिछले साल ऐसा, मैं ये कहता हूँ कि इनको खुश होना चाहिए कि पिछले साल में इनके साथ, तो जब ये स्टार्ट हुआ था 2022 तो ये बिल्कुल अकेले थे, कोई लोग इनके साथ जुड़ा नहीं था, चाहे वो मैं भी हूँ चाहे कोई भी है। तो जैसे ही इन्होंने वीडियो बनानी शुरू करी, तो वीडियो बनाने के बाद इनके साथ धीरे 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 आज जो इनका परिवार है वो लगभग शायद 23,000 से 24,000 लोगों का होने जा रहा है। और आप सब इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इनको, और मैं भी आपके माध्यम से ही, आप ही जरिया हो जो मुझे इन लोगों से मिलवा दिया आप लोगों ने, और हम सब इनको मतलब मोटिवेट करते रहेंगे टाइम आने पर। जैसा कि कुछ भी इनको प्रॉब्लम्स होती है तो हमें, मतलब मैं खास करके, जैसा कि आप लोगों ने मेरी ड्यूटी लगाई है, इनके लिए मैं हर टाइम खड़ा हूँ, और सीमा भी इनकी फुल सपोर्ट करेगी। सीमा, इनके ना फुल मदद करनी है आपसे, है ना? हां जी, जरूर, पक्का। यस। टोपी कैसी लग रही है आपको सीमा? बढ़िया लग रही है जी, बहुत। सीमा को भी कैप दिलवा दे भाई, सीमा तुम अख्ता नहीं करेगी। बट एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इनके ना थोड़े से मन मुटाव थे, जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड करके मैंने इनकी आपस में बहस हुई थी, मैं दिखाऊंगा आपको, आगे लगाऊंगा वो क्लिप। मैंने कहा था कि नहीं, इनके गिले शिकवे हो गए थे अभी बीच में दोनों के, एक दूसरे को ये ब्लेम लगा रही थी बहुत बड़े बड़े, वो मैं बताऊंगा आपको क्या ब्लेम लगा रही थी, दिखाऊंगा वीडियो में ही ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने इनको ये कहा कि हाँ कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे का, जो भी गुल्ला शिकवा होता है, कुछ भी होता है, तुम एक दूसरे शेयर करो, लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब आप भेदभाव कर लो कि आप बात ना करो। तो गाइज ये है, मंदिर जाएंगे और मिलते हैं आपको मंदिर में। दोस्तों, कराते हैं आपको माता रानी के दर्शन, ये देखिए। देखिए वो देख क्या कर रहे हैं, अब इसने लड्डू उठा लिए वहां से, उठा लिए। एक यहाँ करके, एक बीच करके, इधर सामने लगा। तीन नंबर पे तो बहुत ओवर हो रहा है, दो पे और खेलते हैं। तो हम आए हैं देखो आज रेड में, यहाँ पे ना आज सर हमें पार्टी दे रहे हैं, मुझे और सीमा को। और क्या खाना है सीमा? सर कब से पूछे जा रहे हैं क्या खाना, क्या खाना?
समझ ही नहीं आ रहा क्या खाएं। सारी चीज खाने का मन कर रहा है। ये मेनू यहाँ पे भाई देख लो, जो भी खाना तुम लोगों को। तो हमने मंगवाया है, फिर हम शुरू करते हैं। चलो तो हमने डिसाइड कर रखे हम छोले भटूरे खाएंगे, लेकिन खाएंगे थोड़ा थोड़ा, एक ही प्लेट में से दोनों खा लेंगे। हाँ चलो एक चाट हो जाएगी। और क्या, एक छोले भटूरे, दूसरा क्या बोला है? चाट। तो ये देखो आ गए हमारे छोले भटूरे और ये आ गए ये चाट। अब हम खाएंगे घर पे। चलो सीमा घर स्टार्ट। चलो खाते थे। तुम एक चीज तो बता सीमा, तो मुझे बोल रही थी ना कि जब से देवना से वीडियो बनाती है आप मेरे साथ बात नहीं करते, तो एलिगेशन लगा रही थी। अब ये पूछ, मैं ऐसा तो कुछ नहीं। देखो सर आपने ना मुझे ना चार पांच, देखो सर जो आप देवना ने बोला था मेरे को वीडियो बनाने के लिए जंगल में मंगल, और ये ना मेरा बदनाम कर रही है कि सीमा ने बोला था, वो देवना ने बोला था, और आपका तो वीडियो चेंज हो गया। हमारा फोन भी नहीं उठाते आप, हम फोन करते हैं। नहीं मैं फोन उठाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उठाते आप फोन, पहले रोज फोन आते थे आपका, अब नहीं आता आपको फोन। ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोच रहे हो तुम, बाकी तुम्हारी इच्छा है जो सोचना सोचते हो। हाँ बोल के सर, पता क्या है आप देवना की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो। देखो सर आपने सीमा ने ना हमें, जैसे हमने फोन देख रहे थे तो उसमें इन्होंने वीडियो देखी, तो कहते हैं ना ये वीडियो चलती है कि बनाए इस पे, ये तो आपने बोला था ना, इतनी बात बोली थी मैंने कहा चल देख लो, तब हमने वीडियो बनाई थी। आप ये क्यों बोल रहे कि तूने बोला था, मतलब दोनों की राय थी हमारी, ऐसे बोलो ना आप। और सर देखो आप सोशल मीडिया में मेरे को ज्यादा बोल रहे हैं लोग। मेन मुद्दा ये है सर कि जब से आप ना हमारे साथ मतलब वीडियो वगैरह लगे ना बनाने, तब से सीमा में ना बहुत चेंज आ गया, ये जेलस फील करती है। हाय जेलस, नया साल आज, तुम जो भी 2022 में हो ना सब कुछ खत्म करो और नए साल की शुरुआत करो। ऐसा कुछ नहीं, तुम दोनों का ना दिमाग थोड़ा सा अलग साइड जा रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। इतना मत सोचो, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ अपने गीले शिकवे दूर करो और ये चीजें चलती रहेंगी, कुछ नहीं होता। गीले शिकवे दूर करने के लिए तो हमने एक ही प्लेट में अपनी मंगवाया। हाँ खाओ, तुम एक प्लेट में खाओ, तुम्हारे गीले शिकवे दूर होंगे। चलो स्टार्ट करो। देखो ये खाने से ज्यादा हमें खट्टा मिला हुआ है, एक दूसरे को ये ब्लेम नहीं करेंगे, मतलब ब्लेम नहीं करेंगे एक दूसरे को सर। हाँ ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप नए साल पे सर हमें ले गए थे मंदिर, और मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो हमें मंदिर ले गए नए साल पे। मेरा बड़ा मन था कि मैं कहीं धार्मिक जगह जाऊँ, और सर का अचानक ही फ़ोन आ गया, फिर सीमा का ही फ़ोन आ गया कि चलो चलते हैं। तो हम वहाँ से बस वापस ही आ रहे हैं, सीमा चली गई अपने घर पर और मैं जा रही हूँ अपने घर पर, सर ने मुझे उतार दिया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, और आज का व्लॉग कैसा लगा बताना, और फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। हर आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए, हर पल हर दम हर पल दोस्तों। बाय दोस्तों।